नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज हम आपको इस वीडियो में आमे सियासत के बारे में बताने जा रहे हैं। चूंकि साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में, विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे लेकर के 12 जून को पटना में एक बड़ी बैठक भी होने वाली थी। हालांकि किन्हीं कारणों के वजह से ये बैठक टल गई है, जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तल्खी देखने को मिल रही थी, दोनों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आमे सियासत के वजह से क्या इन दोनों के बीच जो दूरियां बनी हुई है ये अब नज़दीकियों में बदल जाएगी। क्या इन दोनों के बीच जो कड़वाहट जो है वो घुला हुआ है, वो कड़वाहट अब मिठास में बदल जाएगा। हम आम मतलब आम जनता के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में आपको भी और सभी को आम खाना बड़ा पसंद होगा। तो आम यानी खाने वाले आम के बारे में और बिहार में देश भर में होने वाले आम पर सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, किस तरह से आम को लेकर के सियासत हो रही है, पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश की राजनीति में इन दिनों कई उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग लाती दिख रही थी कि 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। वहीं इसी बीच एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल के सीएम की ओर से जल्द ही पीएम मोदी के लिए आम की टोकरी भेजी जानी है। खबर ये भी है कि एक दो दिन में पीएम मोदी के पास बंगाल के सीएम की ओर से भेजी हुई आम की टोकरी पहुंच भी जाएगी। बता दें कि इन दिनों ममता बनर्जी पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रही थी। इसके बावजूद हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने पीएम मोदी को आम की टोकरी भेजना नहीं भूला है। वहीं सूत्रों की माने तो 4 किलो के बॉक्स में हिमसागर, फजली और लक्ष्मण भोग जैसे आमों से सजाए जाएंगे। जल्द ही इसे 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा ममता बनर्जी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी आम की टोकरी भेजी जाएगी। वहीं बंगाल की सीएम की केंद्र सरकार से शुरू से ही 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आम की यह टोकरी राज्य और केंद्र सरकार के बीच की मिठास को बढ़ा सकती है। बताते चले कि बिहार से भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे हस्तियों को आम की टोकरी भेजने का परंपरा रहा है। ऐसे में इस बार सीएम नीतीश कुमार की ओर से आम की टोकरियां किसे भेजी जाती है, यह नई सियासी संकेत देगा। फिलहाल ममता बनर्जी ने राजनीति विरोध को दरकिनार कर पीएम मोदी को आम भेजा है। तो देखिए, जहां विपक्षी एकजुटता में लगे सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, जिसमें वो पश्चिम बंगाल भी जाते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होती है और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की तल्खियां किसी से छिपी नहीं है। लगातार ममता बनर्जी केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होती नजर आती है, लेकिन अपनी इस राजनीतिक दूरियों को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने आम की टोकरियां प्रधानमंत्री को भिजवा दिए। तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या अपनी इसी तरह अपनी राजनीतिक दूरियों को दरकिनार कर बिहार के भी मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम की टोकरियां, जो कि ये परंपरा रहा है कि बिहार की तरफ से भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे हस्तियों को आम की टोकरियां भिजवाई गई है, तो इस बार भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आम की टोकरी भिजवाई जाएगी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।